हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये दो वर्ड्स के बारे में दैट इज जेंडर एंड सेक्स और इनमें डिफरेंस क्या होता है तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्स के बारे में सेक्स कैन बी डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ मेल एंड फीमेल बायोलॉजिकल मीन्स ये वर्ड किससे बना है बायोलॉजी से बना है एंड वी ऑल नो दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि हम फिजिकली देख सके हम अपनी आँखों से देख सके उन फीचर्स से हमको क्या पता चलता है एक पर्सन का सेक्स पता चलता है सेक्स दो टाइप्स के होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑफ अ पर्सन कैन ईदर बी मेल या तो फीमेल नाउ सेक्स इज determined by द फॉलोइंग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पर एक पर्सन या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है जिसमें से पहला आता है क्रोमोजोम फिर आता है जीन एक्सप्रेशन फिर आता है हॉर्मोन्स एंड फिर आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस तो इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे अभी के लिए जान लीजिए कि ये चार पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक पर्सन के सेक्स को कि वो मेल है या वो फीमेल है ना अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है सेक्स की सेक्स कैन बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हॉर्मोन्स एट्सट्रा तो बॉडी के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पर हम उनको मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से प्रेजेंट है वो ह्यूमन में किस टाइप के हॉर्मोन्स बॉडी रिलीज कर रही है एट्सेट्रा नाउ सेक्स इज डिटरमाइंड थ्रू क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स क्या होते हैं क्रोमोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल में मिलता है सेल हमको पता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है हर एक चीज़ सेल की बनी होती है हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है तो सेल के अंदर क्या होता है एक न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलते हैं क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डी एन ए ऑर्गेनाइज इन टू जीन्स डी एन ए हमारा क्या है जेनेटिक मटीरियल है और ये जेनेटिक मटीरियल ही आगे फ्यूचर में जो किड्स होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है ट्रांसमिट हो जाता है नाउ Humans के केस में ट्वेंटी थ्री ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं जिसमें से ट्वेंटी टू क्या होता है ऑटोजोम्स होते हैं और और एक पैर होता है सेक्स क्रोमोज़ोम ये सेक्स क्रोमोजोम ही बताता है कि जो पर्सन है वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है अगर सेक्स क्रोमोजोम एक्स एक्स है तो वो पर्सन फीमेल होगी और अगर सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाई है तो पर्सन मेल होगा ये टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होता है एक्स एक्स एंड एक्स वाई तो क्रोमोजोम में इतना ही पढ़ना चाहिए अभी के लिए इस लेवल पे आपको नेक्स्ट आ जाते हैं हम जीन एक्सप्रेशन पे ना जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं ऐसे कुछ कुछ दिखते हैं और क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट होती है जीन्स बहुत सारी जीन्स होती हैं ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन को करवाने के लिए इन जीन्स में क्या होती है कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक फंक्शन में कन्वर्ट करती जाती है फॉर एग्जाम्पल जीन फॉर दी आई कलर तो आंखों का कलर बच्चों में क्या होने वाला है ये वो जीन डिटरमाइन करेगी। अगर हम सेक्स टर्म्स में बात करें मेल एंड फीमेल के टर्म्स से मैं बात करें तो एग्जाम्पल ले तो मेल में फॉर एग्जाम्पल जो जीन होती है बियर्ड ग्रोथ के लिए फेशियल हेयर के लिए ये स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस होती है फीमेल्स में नहीं होती फीमेल्स में कौन सी एक्सप्रेस होती है जीन जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए जो जीन है वो स्ट्रांगली एक्सप्रेस होती है तो मेल्स एंड फीमेल में कौन सी जीन स्ट्रांगली एक्सप्रेस हो रही है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल देन आते हैं हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स जो कि बॉडी में हमारे बनते हैं ये क्या करता है ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह से ब्लड के थ्रू ब्लड में मिलके एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन तक ये पहुंचते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रोथ हार्मोन हम ले रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा पर्सन की बॉडी को ग्रो grow करवाएगा ग्रोथ ऑफ बॉडी ठीक है ऐसे कुछ हॉमोन्स होते हैं जो फीमेल में सीक्रेट होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो मेल में सीक्रेट होते हैं तो फीमेल के कुछ कॉमन हारमोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये नेम्स आपको अगर याद होता है तो ठीक है नहीं भी होते तो भी चलेगा तो इन हॉमोन से क्या हो रहा है प्यूबर्टी हो रही है फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है प्रेगनेंसी हो रही है मीनोपॉज हो रहा है ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल की बात करें तो हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टिरन एंड्रोजन्स ये क्या होता है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मस्कुलर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ गैमिड्स बियर्ड फेशियल हेयर मसल डेवलपमेंट ये सब के लिए मेल्स में ये हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द हॉमोन जो आपकी बॉडी में सीक्रेट हो रही है उसके बेसिस पे आपके मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सबको पता है कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं ओवरी फेलोपिन ट्यूब यूटरेस सर्विक्स वेजाइना ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं और मेल में प्रोस्टेट टेस्टिस एंड पेनिस मिल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं तो ये थी सेक्स की बात अब देख लेते हैं कि जेंडर क्या होता है जेंडर वो होता है जो सोसाइटी ने बनाया इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल को कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करनी चाहिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स मेल और फीमेल के होने चाहिए ताकि वो क्या बन जाए मेन एंड वुमेन बायोलॉजिकली क्या था मेल और फीमेल था बट सोसाइटी ने कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिए तो उससे क्या हुआ मेल बन गया मैन और फीमेल बन गई वुमेन ठीक है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स कर वाली कैरेक्टरिस्टिक वो मेन कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू सोसाइटी फीमेल्स के पास है वो वुमेन कहलाएंगी ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कुछ ऐसे बिहेवियर्स किस तरीके से बैठना उठना है क्या क्या चीजें करनी है क्या रोल है तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ नॉर्म्स ये सारी जो है सोसाइटी ने बनाई है और एक तरीके से मेल एंड फीमेल पर थोप दी गई है कि आपको अगर इस सोसाइटी में रहना है तो आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे अबाइड करना पड़ेगा एंड आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा मैन या वुमेन कहलाना है तो पीपल आर मोस्टली बोर्न आई मेन एंड फीमेल बायोलॉजिकली तो मेल और फीमेल बोर्न होते हैं बट दे आर कन्वर्टेड इन टू मैन एंड वुमेन टू सोसाइटीज नॉर्म रूल्स हाउ टू बिहेव सेम सेक्स के साथ कैसे बिहेव करे डिफरेंट सेक्स के साथ कैसे बिहेव करे वर्क प्लेस पर कैसे बिहेव करे सोसाइटी में कैसे बिहेव करे घर में कैसे बिहेव करे ये सारे की सारी चीज़ें क्या आ जाती है हमारी सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बना रखे हैं उसमें आती हैं और जो लोग ये सोसाइटी के नॉर्म्स के थ्रू नहीं चलते हैं उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करते हैं वो आइसोलेशन फ़ेस करते हैं उनको अकेला छोड़ दिया जाता है उनके बारे में बुरी बातें बोली जाती है सोशल स्टिग्मा वो फेस करते हैं ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड अभी मैंने बताया कि सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन पावर आइडेंटिटी देता है सोसाइटी मैन एंड वुमेन को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देता है तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है सोसाइटी ने बनाया है ये एक डायनामिक कॉन्प्ट है डायनामिक मतलब मूविंग तो विद टाइम क्या होता है कि चेंजेस आते हैं ऐसा नहीं है अब आपको पता होगा पुराने जमाने में तो फीमेल्स को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था उनको खाने को नहीं मिलता था मारा जाता था घर में पर अभी क्या हो रहा है धीरे धीरे लोग की थिंकिंग चेंज हो रही है जनरेशन टू जनरेशन तो ये कॉन्सेप्ट जो है जेंडर का ये डायनामिक है ये विद टाइम चेंज हो जाता है ये रिजिड नहीं है ये फ्लेक्सिबल है देन लर्नड बिहेवियर है जेंडर एक लर्न बिहेवियर है जो सोसाइटी हमको बचपन से सिखाता आ रहा है कि लड़के हो तो ऐसे बिहेव करो लड़की हो तो ऐसे बिहेव करो ये एक लर्न बिहेवियर और ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर भी है कि सबसे सेम एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़के इसी तरह बिहेव करेंगे लड़किया एक तरह लड़किया इसी तरह बिहेव करेंगी तभी उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाएगा देन पर्सनैलिटी शेपिंग है पर्सनैलिटी बनाई जाती है मैन एंड वुमेन की स्टार्टिंग से ही बॉयज़ को बोला जाता है कि आप किसके साथ खेलेंगे आप खेलेंगे रोबोट्स के साथ में आप खेलेंगे कार्स के साथ में और गर्ल्स को क्या बोला जाता है कि गर्ल्स खेलेंगी डॉल्स के साथ में घर घर खेलेंगी किचन किचन खेलेंगी ये सब तो क्या कर रहे हैं हम पर्सनैलिटी शेप कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि बॉयज जो है वो क्या है स्ट्रांग है और गर्ल्स क्या है वीक है ये सब चीजें सिखाई जाती है बॉयज का फेवरेट कलर क्या है ब्लू है गर्ल्स का फेवरेट कलर क्या है पिंक है तो ये मतलब चॉइस तो छोड़ी ही नहीं है बच्चों पे कि वो अपना फेवरेट कलर चुने उनको पहले से ही बता दिया जा रहा है पावर रिलेशनशिप पावर किसको दी जाती है सोसाइटी में पावर हमेशा दी जाती है मैन को ज्यादा पावर दी जाती है लेवल में मैन ऊपर की साइड पर रहता है वर्क प्लेस की बात करें या फिर इवन घर के डिसीजन मेकिंग की बात करें तो हर जगह मेन की ही डोमिनेंस देखने को मिलती है देन एरे ऑफ राइट्स राइट्स की बात करें तो राइट्स भी डिफरेंट होती है मैन एंड वुमेन के लिए बी इट प्रॉपर्टी राइट्स या डाउरी केसेस में प्रॉपर्टी जनरली किसको दे दी जाती है जो ब्रदर्स होते हैं उनको सिस्टर्स डिमांड भी नहीं करती है प्रॉपर्टीज फादर की प्रॉपर्टी पे देन एक्सेस टू रिसोर्सेज रिसोर्सेज जैसे रिसोर्सेज लाइक फूड शेल्टर एजुकेशन हेल्थ केयर इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है अलग अलग जेंडर को फीमेल्स को कभी कभार कम फूड दिया जाता है कुछ कुछ घरों में कुछ कुछ विलेजेस में मेल जो है वो बेड पर सोएगा फीमेल जो है वो ज़मीन पर सोएंगी एजुकेशन तो नेसेसरी समझी ही नहीं जाती है गर्ल्स के लिए रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड की जाती है उनको अगर ज़रूरत होती है तो तो ये थे कुछ कररेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि सेक्स क्या होता है एंड जेंडर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है सेक्स क्या होता है जो हम फिजिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है एक पर्सन में और जो प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पर बनाते हैं हम मेल और फीमेल और जेंडर क्या होता है कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है कि सोसाइटी ने क्या क्या बताया है कि अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एक लड़की हो तो किस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि तुम मैन एंड वुमेन कहलाओ और सोसाइटी तुमको एक्सेप्ट करे तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेलाइकिन भी दबा दीजिएगा सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग